माय इंडिया चैनल आपका एकदम मतलब अच्छे दिन से स्वागत करती रही बात तो बने रही है। यहाँ पे जैसा कि जूलॉजी के सेक्शन को लेकर चला जा रहा था तो उसमें आगे की श्रृंखला हम अभी कंटिन्यू आपके साथ जारी रखेंगे, तो बस आप बने रहिए। रही बात तो पूरी श्रृंखला खत्म होगी, इसके बाद ही आप कुछ कहिएगा कि नहीं ये सब समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे ये सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप अब तक घंटी ना घनघनाया हो तो एक बार घंटी घनघना दीजिए। तो यहाँ पे केचुए के पास भी हृदयों की संख्या कितनी होती है, तो केचुए में पास ही चार जोड़ी जिसमें ओवरऑल आठ होती हैं, तो चार जोड़ी में तो दो 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 का जोड़ी होता है, तो ओवरऑल चार जोड़ी का दो दो गुना चार इंच में दो इंटू आठ जोड़ी तो आठ जोड़ी होती है। तो केचुए में पास स्वीकृत देव की संख्या आठ जोड़ी। इसके बाद और आगे ऐसी श्रृंखला चलते हैं। इसके बाद जंतुओं की कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या की संघ की होती है, तो आर्थो ओपोडा जो कि लगभग 60% होती है। उसके बाद आर्थो ओपोडा में किसका बना वाय कंकाल पाया जाता है, तो काइटिन युक्त उपचर्म का बनाया हुआ जो कि वाय कंकाल पाया जाता है। उसके बाद झींगा मछली क्रेफिश तथा सिल्वर फिर किस संघ के जीव हैं, तो आर्थ्रोपोडा के हैं। उसके बाद बिच्छू मच्छ मकड़ी माइटस तथा कीलनी में किसकी टांगे में पाए जाते, तो चार जोड़ी, तो मतलब कितनी टांगे पाए जाते तो चार जोड़ी ये सब पाए जाते थे कीलनी में। उसके बाद किलनी के बाद झींगा मछली वगैरह ऐसा जो होती है, तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस किया है तो किलनी, और उसके बाद यहाँ पे बिच्छू मछली माइटस तथा किलनी में आठ जोड़ी जो कि पैर पाई जाती है, तो कितनी जोड़ी टांगे, तो पैर ये बोल या टांग कर लीजिए सब एक ही है। उसके बाद ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है, तो मलस्का संघ का जंतु है जो कि ऑक्टोपस। उसके लाल चींटियों में कौन सा अम्ल है, तो फार्मिक हम लाल चींटियों पर। उसके मलेरिया रोग किसके काटने से होता है, तो मादा एनी फ्लीज मच्छर के कारण। उसके केकड़े में कितने जोड़ी पैर होते, तो केकड़े में पांच जोड़ी अर्थात दस पैर होते, दो दो का हो तो दो फाइव में जब टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आ जाएगा। तो उसके बाद तितली तिलचट्टा मछली तथा मकड़ी में कौन सी कीट नहीं है, तो मकड़ी जो कि कीट नहीं है, तो मकड़ी क्या है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद जुगनू क्या है, तो जुगनू एक कीट है। उसके बाद सरपाद में पादों की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी, तो सरपाद में पादों की संख्या 20 होती है। उसके बाद पूजा पाठ के बजाय जाने वाले समुद्री संघ एवं कौड़िया की संघ के जंतु हैं, तो मलस्का के जंतु है, तो जो कि पूजा पाठ में जब जो आप देखते हैं पंडित जी संघ बजाते हैं ना, तो पंडित जी आते हैं उसके बाद ये संघ ऐसे ऐसे बजाते हैं, तो ये सब मलस्का के संघ के अंतर्गत आते हैं जो कि पूजा पाठ अध्ययन में समुद्री संघ वगैरह। तो मलस्का, तो मलस्का यानी लाश का बना हुआ संघ बोल सकते हैं, तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपको देख रहे हैं, मतलब तय याद करने के लिए ऐसे ये सब फालतू चीज़ें ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद कास्कोलाजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो संघों का अध्ययन कास्कोलाजी में किया जाता है, तो कोकोलाजी है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कंप्यूटर महोत्सव की दिक्कत से है, तो कोकोलाजी में किसका अध्ययन, संघों का अध्ययन कोकोलाजी में किया जाता है। उसके मलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीला या हरा रंग या रुधिर किस कारण होता है, तो हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसके बाद और आगे आएंगे तो नियोपीलाइना जिसे मोलस्का संघ में रखा जाता है किन संघों के बीच संयोजी कड़ी है, तो यहाँ पे हम जानेंगे तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है। तो उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन की तरह ही रहते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं रहता। वन लाइनर क्वेश्चन का जैसा उद्देश्य है कि मतलब वन लाइनर कंटिन्यू जारी रहता है, और उसके बाद वन लाइनर में सभी वन लाइनर के क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पे
और आगे आएंगे तो यहाँ पे मोलस्का संघ जंतु नील हरा रंग रुधिर किसमें रंग तो हीमोसाइनिया के कारण। इसके बाद नियोपिलाइना जिसे मोलस्का संघ में रखा जाता है कि किन संघों के बीच संयोजी कड़ी है तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। इसके बाद किसमें कीमती मोती पाया जाता है तो मोलस्का संघ के जंतु में कीमती मोती पाया जाता है। तो जैसे कि मतलब कीमती मोती वगैरह जब होते हैं तो मोलस्का संघ अब देखेंगे तो ये सब मोतियाँ हैं तो मोतियाँ तो मोलस्का संघ के अंतर्गत ही पाई जाती रही। तो वन लाइनर क्वेश्चन वन लाइनर की तरह ही रहेंगे। रही बात तो बने रही बस माई इंडिया के साथ। उसके बाद मोलस्का संघ के जंतुओं में किस्म कीमती है तो मोलस्का संघ के जंतु पर्ल आई ईस्टर्स पी कैडा। उसके बाद बल ग्रैरिस में जो इसी त्वचा के बाहरी कड़ों के चारों ओर बनते हैं। उसके बाद अष्टभुज भुज घोंघा सीपिया और यूनिया यूनियों को किस संघ में रखा तो मोलस्का में रखा जाता है। तो रही बात तो वन लाइनर क्वेश्चन की तरह रहेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है, बस आप बने रहिए। तो यहाँ पे और आगे हम आएंगे तो ऑक्टोपस की संख्या तो मोलस्का संख्या। इसके बाद लाल चीटी फार्मिक एसिड वगैरह हमने जाना। इसके बाद जुगनू क्या है, एक कीट है। तो उसके बाद ये सब हमने इसके बाद शंखों के अध्ययन ये सब हमने जानते हुए काफ़ी आगे आया। तो रही बात तो ये कंप्यूटर महाशय जी है, कंप्यूटर महाशय जी जो कहते हैं वही हम करते हैं, जो हमारे सामने खोल के पेज ला रहे हैं तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। रही बात तो आप बने रहिए। तो इसके बाद फादर स्टार को किस अन्य संज्ञा से विहीन किया जाता है तो एंटीडान से विहीन किया जाता है। उसके किस वर्ग के मोलस्का सर्वाधिक विकसित है तो वर्ण सीफेलोडा के मोलस्का सर्वाधिक विकसित होते हैं। इसके बाद अष्टभुज घोंघा सीपिया और यूनियों को किस संघ में रखा जाता है तो मोलस्का में सब रखे जाते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस है। इसके बाद किस में कीमती मोती वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब रही बात तो और आगे आए तो ब्रिटिल स्टार से अब स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिल स्टार को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो ब्रिटिल को आर्फियोरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलाथुरिया एवं कुकुमेटा में कौन सी उपमा दी गई है तो समुद्री खीर। उसके बाद कुकड़ी की उपमा दी गई है। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण भ्रूण की किस कोशिका में होता है तो एस्कोडर्म से होता है। इसके बाद यकृत निर्वाहिका तंत्र का क्या अर्थ है तो संघ आर कार्डेटा में आहार से रुधिर लाने वाली ही है। तो ये सब जो कि वन लाइनर क्वेश्चन जैसा कि बार बार कहा जा रहा है वन लाइनर की रहेंगे, इसमें से कोई दोहरा नहीं है कि इसमें अपने से छेड़छाड़ किया जाए। तो यहाँ पे कंप्यूटर माता जो हमारे सामने रखते हैं वही सब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। रही बात तो और आगे है। उसके बाद मेरू दंड का विकास भ्रूण के किस भाग से हो तो मीसोडर्म से होता है। तो इसके बाद पृष्ठ नालवत तंत्रिका रज्जु किस में पाई जाती है तो सभी पृष्ठ वंशियों में पाई जाती है। इसके बाद वायकर्ण की जंतुओं में पाई जाती है तो सरसरी परचियों एवं स्तनियों में पाई जाती है। इसके बाद मछलियों के हृदय में कौन सा रंध पाया जाता है तो अशुद्ध रुधिर। तो मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त प्रवाहित है तो अशुद्ध रुधिर। इसके बाद अधिकांश मछलियाँ उभयचर और सरसरी होते तो अंड यूजी के कारण। उसके दिन के समय सक्रिय रहने वाले जंतु कहलाते हैं तो ईस्टाइनो वर्सेस के स्थल के किस में पाए जाते तो सर्पों एवं मछलियों में पाए जाते हैं। स्थल के सर्पों एवं मछलियों में पाई जाती है स्थल के सर्पों एवं मछलियों में। तो मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो दो चैम्बर होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में चार चैम्बर होते हैं आप जान जाइए। और रही तो मछलियों की बात करें तो यहाँ मछलियों में दो चैम्बर। समुद्री मछलियों में सबसे छोटा मछली कौन सी है तो डवार्फ गोभी है। उसके विश्व में सबसे बड़ी मछली कौन सी तो व्हेल शार्क है। उसके डायनासोर किस महावर्ग में विलुप्त जंतु है तो सरसरीप में विलुप्त जंतु है। उसके बाद संसार का सबसे भारी सर्प कौन सा तो एनाकोंडा अजगर है। तो संसार का सबसे भारी सर्प एनाकोंडा अजगर है। उसके बाद
और श्रृंखला और जारी रहेगी। रही बात तो ऑनलाइनर क्वेश्चन हमेशा ऑनलाइनर की तरह रहते, इसमें कोई दो राय नहीं। छिपकली चिकनी खड़ी सतहों पर कौन तेज दौड़ती है, तो उंगली उसकी उंगलियों के नीचे पोटलिकाएँ रहती है जो निर्वात दाब सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके सरसरीपों में प्रायः हृदय अपूर्ण रूप से चार कोष्ठी होते हैं कि तुम अगर एवं घड़ियाल के हृदय में कितने कोष्ठी, तो तीन वेम वेम पी। तो जो कि यहाँ पे दिया गया है तो ऑनलाइन क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो कंप्यूटर महाशय जी की तरफ से, तो इसमें कोई वो दोहरा नहीं है। तो सरसरीपों के हृदय में अपूर्ण चार कोष्ठी होते कि तुम अगर घड़ियाल में कितने कोष्ठी, तो तीन जोड़ी। उसके बाद उभयचर जंतु की में किसकी किसकी उपमा दे, तो हाइला की। तो उभयचर जंतु में हाइला की उपमा दी गई है। रही बात संसार का सबसे भारी सर्प कौन सा, तो एनाकोंडा ये सब हमने जाना था। रही बात तो बीच बीच में कभी कंप्यूटर महोत्सव रुड़ जाते हैं तो उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसके बाद ए टी एल टीज किसका उपनाम है, तो धात्री से का। तो एल टीज धात्री। उसके बाद प्रथम हम कसेर की जो रूसी धरती पर वास के लिए आयोजित हुए थे, तो यहाँ पे सरसरीप। उसके बाद वर्तमान में सबसे बड़ा रेप्टाइल किस से माना जाता है, तो मगरमच्छ को माना जाता है। उसके बाद प्राय हारनी सलकों का वाय कंकाल किस वर्ग के जीवों की विशिष्टता है, तो रेप्टाइल वर्ग की। उसके बाद उड़ने वाला छिपकली को किस को क्या कहते हैं, तो ड्रैको कहते हैं। इसके बाद सरसरीपों का युग किसे कहा, तो मीसो जाइक महाकल्प को सरसरीपों का युग कहा जाता है। इसके बाद उड़ने वाला रेप्टाइल कौन सा था, तो टीरोसारो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया तो पाद विहीन उभयचर है, तो एक एक थी थोफी। इसे कौन सा सर्प अंडज यूज होते हैं, तो कोबरा अंडज यूज होते हैं। उसके बाद विलुप्त सरसरीप जो न्यूजीलैंड का अजीवित जीवाश्म सरसरीप संज्ञा से जाना जाता है, तो जो कि यहाँ पे ओवरऑल आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए माई इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।